नमो बुद्धाय दोस्तों, जीवन में खुश रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन आप खुश तभी रह सकते हैं जब आपका स्वास्थ्य ठीक हो। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो फिर आपके पास चाहे कितने भी धन दौलत क्यों ना हो, आप कभी खुश नहीं रह सकते। और स्वस्थ रहने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। और हमारे भोजन में अगर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कोई है तो वो है आटा, क्योंकि आटा हम रोज़ाना खाते हैं, एक दिन में 3 टाइम खाते हैं और कभी इससे बोर नहीं होते। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होने के बावजूद यही वो एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज होती है। हम लोग अच्छे खाने के बारे में बात करते हैं, फल के बारे में बात करते हैं, सब्जियों के बारे में बात करते हैं, लेकिन आटे के बारे में कभी भी कोई बात नहीं करता। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में बताएंगे जिसे यदि आप अपने आटे में मिला देंगे तो ये और ज़्यादा गुणकारी हो जाएगा। सिर से लेके पांव तक जो हज़ार तरह की बीमारियां होती हैं जो कि आपको हो सकती हैं, उससे आप महफूज रहेंगे और आप ज़्यादा दिनों तक जवान रहेंगे। इसके अलावा बुढ़ापे में भी बड़ी बड़ी बीमारियों से आप बच सकते हैं। इसलिए आज की कहानी को ध्यान से सुनना है आपको। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में लिखें नमो बुद्धाय, और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार वालों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर जरूर करें। तो आगे कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे जो नदी किनारे अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। उनके आश्रम में बहुत सारे शिष्य शिक्षा ग्रहण किया करते थे। एक बार उस नगर के बहुत बड़े सेठ ने भोजन पर आमंत्रण दिया और भोजन पर बुलाने पर गुरु सेठ के यहाँ पर गए। सेठ ने उनके बैठने के लिए अच्छे से आसन लगवाया और बैठने के लिए कहा। सेठानी भोजन लेकर आती है और गुरु और उनके शिष्य भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन में कई प्रकार के पकवान बनाए गए थे। वो लोग भोजन ग्रहण करते हैं और उसके बाद अतिथि कक्ष में बैठ जाते हैं। इसके बाद गुरु को प्रणाम करते हुए फिर सेठ कहते हैं कि गुरुदेव, आजकल मैं बहुत अस्वस्थ रहने लगा हूँ, जिसकी वजह से मुझसे चला फिरा भी नहीं जाता और कोई काम भी नहीं होता। कृपया कर आप मुझे कुछ हल बताएं। ये सुन गुरुजी मुस्कुराकर कहते हैं कि ठीक है, आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिसे यदि आप अपना लेते हैं तो जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। गुरुजी की बात सुन सेठ प्रसन्नचित होकर कहते हैं कि गुरुदेव, कृपया कर आप मुझे वो तरीका बताएं। गुरुजी ने कहा कि आप अपनी पत्नी को भी यहाँ पर बुला लीजिए ताकि वो भी इसे सुन सके। सेठ अपनी पत्नी को भी बुला लेता है और फिर गुरुजी कहते हैं कि सेठ जी, आज मैं आपको एक ऐसे आटे के बारे में बताऊंगा जिसकी रोटियां खाने से आप एकदम से स्वस्थ हो जाएंगे, आपकी सभी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएगी। गुरुजी कहते हैं कि इस आटे की रोटियां बनाकर उसका सेवन करने से आपके लीवर से संबंधित कोई परेशानी नहीं होगी, आपकी किडनी जो है वो ठीक तरह से काम करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रहेगी, आपको कभी यूरिन में इन्फेक्शन नहीं होगा, आपको कभी अर्थराइटिस की समस्या नहीं होगी, मोटापा आपके अंदर कभी नहीं आएगा। फिर गुरुजी उस सेठ से कहते हैं कि आप पहले से ही बहुत मोटे हैं, जो आपका मोटापा है इससे कम हो जाएगा, डायबिटीज़ की, दिल की कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी, कोलेस्ट्रॉल भी नियंत्रण में रहेगा। फिर गुरुजी सेठ से कहते हैं कि आजकल 100 में से 90% लोग केवल गेहूं का आटा खाते हैं और सिर्फ एक ही तरह के अनाज के आटे का इस्तेमाल करने से क्या होता है कि जो दूसरे अलग अलग तरह के अनाज होते हैं हम उनके गुणों से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि हर तरह के अनाज में अलग अलग तरह के गुण विद्यमान हैं जो हमें नहीं मिल पाते। इसके अलावा हमें सिर्फ गेहूं के आटे इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको साइड इफेक्ट हो सकता है। हमारे यहाँ जो गेहूं होता है वो हाइब्रिड होता है जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हाइब्रिड गेहूं को तैयार करने के लिए उसमें बहुत सारे केमिकल मिलाए जाते हैं तब जाकर उसके बीज बनते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान जो बीज है वो बदल जाते हैं जो कि कहीं ना कहीं अनाज के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं।
और इस तरह के गेहूं को खाने से, अनाज खाने से कई तरह के नुकसान हो सकते हैं और बहुत सारी बीमारियां भी पैदा हो सकती हैं। फिर गुरुजी उस सेठ से कहते हैं कि सेठ जी, आप सिर्फ गेहूं का आटा खाते हैं जिसकी वजह से आपका मोटापा बढ़ रहा है, पेट निकल रहा है। अगर आपको डायबिटीज है तो आपको ब्लड शुगर बढ़ सकती है। अगर आपको एलर्जी है तो उसकी वजह से आपकी एलर्जी और ज़्यादा हो सकती है। अगर आपको थायराइड की दिक्कत है तो उस स्थिति में भी ये नुकसानदायक हो सकता है, जो कि सिर्फ गेहूं के आटे को खाने से होता है। ये सुनकर सेठ जी कहते हैं कि गुरुदेव, हम तो बचपन से ही गेहूं का आटा खाते हैं और हमारे दादा दादी जो हमारे बुजुर्ग थे वो भी हमेशा गेहूं का आटा ही खाते थे, उन्हें भी कभी कोई बीमारी नहीं हुई और वो तो बुढ़ापे में भी स्वस्थ थे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर हम सिर्फ गेहूं का आटा खाएंगे तो ये प्रॉब्लम हमारे अंदर हो जाएगी। फिर गुरुजी उस सेठ से कहते हैं कि सेठ जी, गेहूं का आटा खाने से जितनी भी दिक्कतें होती हैं जिसका मैंने अभी अभी जिक्र किया, ये पूरी तरह से सत्य है, जिसे वैज्ञानिकों ने भी अब मान लिया है, और ये आपको नुकसान पहुंचाती है। और ये परेशानी जो गेहूं के आटे के खाने से आपको दिक्कतें होती हैं, ये सब बहुत धीरे धीरे होती हैं, जिसकी वजह से हमारा इस पर संदेह नहीं जाता और अक्सर हम इसे गेहूं के आटे से जोड़कर नहीं देख पाते। और आप जिन डॉक्टरों के पास जाते हैं वो भी आपकी प्रॉब्लम को आटे से जोड़कर नहीं देखते और ना ही हम इसके बारे में सोचते हैं, क्योंकि हमें इसके बारे में जानकारी ही नहीं है और ना हमें इसके बारे में कभी कुछ बताया जाता है। फिर गुरुजी उस सेठ से कहते हैं कि सेठ जी, आपके दादा दादी जो गेहूं का आटा खाते थे वो हाइब्रिड गेहूं नहीं होता था, वो पेस्टिसाइड वाला गेहूं नहीं होता था। पेस्टिसाइड का इस्तेमाल और हाइब्रिड को बनाने की जो प्रक्रिया है ये सब अब शुरू हुई है। हमारे दादा दादी के समय हाइब्रिड गेहूं का आटा नहीं चलता था और यही वजह थी कि वो जो गेहूं का आटा खाते थे उससे कोई भी नुकसान नहीं होता था और वो स्वस्थ रहते थे। और एक चीज जो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो कभी कोई एक तरफ का आटा नहीं खाते थे, वो कभी चावल का आटा खाते थे तो कभी बाजरे का आटा खाते थे। मौसम के अनुकूल वो अलग अलग तरह के अनाज पैदा होता था, वो उसी प्रकार से अपना आटा बदलते थे और इसी वजह से वो हमेशा स्वस्थ रहते थे। सेठ जी कहते हैं कि गुरुदेव, मैं तो शुरू से ही गेहूं का आटा खाता आया हूं और मेरे पास इसके अलावा कोई और विकल्प भी नहीं था। सेठ जी की बात सुनकर गुरु उनसे कहते हैं कि सेठ जी, आपको इस स्थिति में अपने आटे में बदलाव करना ही होगा, जिससे आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा और आप स्वस्थ भी रहेंगे। ये सुनकर सेठ कहता है कि फिर गुरुदेव, हमें कुछ ऐसा करना होगा, अपने आटे में क्या बदलाव करना होगा जिससे हमें कोई नुकसान भी ना हो और हम स्वस्थ रहें, कृपया करके हमें विस्तार से बताएं। सेठ जी की बात पर गुरुजी ने कहा कि उस आटे की हेल्दी बनाने के तरीका है कि आप इसमें बस कुछ चीज़ों को मिला दें, इसी से आप स्वस्थ हो जाएंगे और जो नुकसान आपको गेहूं के आटे से होते हैं वो आपको नहीं होंगे। इसमें आपको चार चीज़ों को मिलाना है, जिसमें पहली चीज़ है चना, दूसरी है रागी, तीसरी है बाजरा और चौथी है जौ। यदि आप इनको मिलाकर पिसवा लेते हैं अपने आटे के साथ तो गेहूं के आटे से होने वाले नुकसान से आप बच जाएंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी, अलग अलग तरह की बीमारियां जो आपको हो सकती हैं उससे आप बचे रहेंगे और बुढ़ापे तक आप स्वस्थ रहेंगे। फिर गुरुजी सेठ से कहते हैं कि सबसे पहली बात ये है कि चने, जो काबुली चने लेने हैं, ये काबुली चने प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होते हैं, उसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है और ये आपका वजन कम करने में मदद करते हैं। इससे आपको मोटापे की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी, क्योंकि आपने जो आटे में चने को मिलाने से वजन कम होता है। अगर आपको डायबिटीज है, आपका ब्लड शुगर बढ़ा ही रहता है, तो उस स्थिति में भी चने का आटा मिलाकर सेवन करने से बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि चना आपके ब्लड शुगर को कम करने में काफी मदद करता है। चने में फाइबर बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से आपको कब्ज की शिकायत नहीं होती। इसके अंदर आयरन भी होता है जिससे आपके अंदर खून की कमी अच्छी तरह से पूरी हो जाती है, इससे खून बहुत अच्छी तरीके से बनता है,
चना आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। तो आपको यदि हार्ट से जुड़ी हुई कोई भी दिक्कत है तो ये उस स्थिति में भी काफी ज्यादा हेल्प करता है। बुढ़ापे में भी आपकी हड्डियों को मजबूत रखता है और इसके साथ ही इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिससे ये आपके डाइजेशन को, कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करने का काम करता है। रागी आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। रागी के सेवन से आपकी त्वचा और बाल जो हैं वो बहुत अच्छे से स्वस्थ रहते हैं। रागी के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं जो आपके बालों को मजबूती देता है। जिनके अंदर गंजापन हो रहा है, जिनके बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद होने लगे हैं, बाल झड़ने लगे हैं, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके अलावा बढ़ती उम्र के कारण आपकी त्वचा पर जो दाने और पिंपल हो गए हैं, काले धब्बे हो गए हैं, तो ऐसी कई सारी दिक्कतों में भी रागी काफ़ी ज़्यादा फायदा करती है, आपकी त्वचा को अच्छा रखती है, अंदर से उसे निखारती है और सभी तरह के दाग धब्बों को साफ करती है। इसके बाद हम बात करते हैं जौ की, तो ये भी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। खास तौर पर यह आपकी किडनी हेल्थ को इम्प्रूव करता है। अगर आपके अंदर यूरिन का इन्फेक्शन है तो वो भी खत्म हो जाता है। किडनी स्टोन की समस्या को भी ये खत्म कर सकता है। अगर बाजरे की बात करें तो बाजरा बहुत ज़्यादा हैवी होता है, इसमें आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। औरतों के अंदर काफ़ी बार देखा जाता है कि उनके अंदर खून की कमी होती है, आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, तो औरतों के लिए तो ये बाजरा वरदान है क्योंकि खून की कमी इससे दूर होती है। और बाजरा जो है ये आपके शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स यानी कि जहरीले पदार्थ होते हैं उनको निकालने का काम भी करता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। तो ये भी आपके शरीर के लिए बहुत फायदेमंद अनाज है जिसे आपको अपने खाने में शामिल ज़रूर करना है। फिर गुरु जी सेठ जी से कहते हैं कि सेठ जी अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस आटे को बनाना कैसे है। ये तरीका मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, जो मात्रा मैं आपको बता रहा हूँ, इस मात्रा को अगर आप ऊपर नीचे करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगा, तो आप मात्रा का ज़रूर ध्यान रखें। फिर चाहें आप 10 किलो आटे की जगह 20 किलो आटा बनाना चाहें तो इसी हिसाब से आप मात्रा को ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसलिए आपको इस मात्रा का पता होना चाहिए। इसी को ध्यान में रखकर आपको करना क्या है कि आपको 10 हिस्से गेहूं के आटे के लेने हैं, उसमें 2.5 हिस्सा आपको चने का आटा मिलाना है, 2 हिस्सा जौ का आटा मिलाना है और 1 हिस्सा बाजरे का आटा मिलाना है और 1 हिस्सा रागी का आटा मिलाना है। इस आटे को बनाने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है, आप चना, रागी, जौ, बाजरा सब कुछ साबुत लें और इसे अच्छे से पानी से धोकर धूप में सुखा दें। इसके बाद इसे लेकर अलग अलग पिसवाएं। अगर आप इस तरह से कर सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो बाज़ार से आपको पिसी पिसाई ये चीज़ें मिलती हैं, आप वहाँ से भी इसे ले सकते हैं और अपने आटे में मिला सकते हैं। लेकिन अगर आप साबुत लेकर इसे पिसवाते हैं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि इन सबको एक जगह मिलवाकर नहीं पिसवाना है, इसे आपको अलग अलग ही पिसवाना है और अलग अलग रखना है। क्योंकि अगर आप इसे साथ में पिसवाते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ वो ये है जो आपको दिक्कत देगी कि ये ठीक तरीके से पिस नहीं पाएगा। सबका साइज अलग अलग होता है जिसके कारण इसे पीसने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है और ये ठीक तरह से पिस नहीं पाता, तो पहली दिक्कत तो ये आएगी। दूसरी समस्या आपको ये आ सकती है कि अगर आप इसे पिसवा कर सब एक जगह रख देते हैं तो ये बहुत जल्दी खराब हो जाता है, उसको अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, फफूंदी आ जाती है, अन्य तरह की परेशानियां भी आ सकती हैं। इसलिए आप आटे को अलग अलग स्टोर करके रखें। जब भी आपको रोटी बनानी हो आप इन सबको बारी बारी से गेहूं के आटे में मिलाकर जो मात्रा बताई है उसी के अनुसार आपको एक जगह कर लेना है। इसे आप 2 या 3 या फिर 1 सप्ताह के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बनाकर रख सकते हैं। और जब आपको रोटी बनानी हो आप इन सब के मिश्रण को निकाल के उसे गूंथ कर रोटी बना लीजिए। ध्यान रखे इन सब आटे के मिश्रण को 1 सप्ताह से ज़्यादा अधिक स्टोर नहीं करना है,
वरना ये एक सप्ताह बाद खराब हो जाएगा। फिर गुरुजी उस सेठ से कहते हैं कि सेठ जी, आपको इस आटे से बनी हुई रोटियां ही खानी हैं, फिर देखना आपके अंदर कैसे चमत्कारी परिवर्तन आता है। आपका मोटापा कहाँ गायब हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। आपके शरीर के अंदर जितनी भी बीमारियां हैं सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। गुरु जी की बात सुनकर सेठ जी कहते हैं कि गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इसके बाद वो गुरुजी अपने आश्रम वापस लौट जाते हैं।